ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, एक्सेस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इज एडेड टू इट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट. तो हमारे पास क्या है, जब कॉपर सल्फेट के टू मॉलिक्यूल्स में पोटाशियम आयोडाइड को डाला जाता है, ठीक है जी, तो हमारे पास बनता है पोटाशियम सल्फेट क्यूप्रस आयोडाइड प्लस आयोडीन गैस. ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स. ये जो आयोडीन गैस है इसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ हम टाइट्रेट कर सकते हैं S2O3 आयोडीन के साथ. ठीक है, तो हमारे पास सोडियम टेट्राथायोनेट बनेगा प्लस सोडियम आयोडाइड बनेगा. ठीक है जी, अब ये जो है, ठीक है, ओके जी, तो ये हमारे पास बनेगा. तो एक्चुअली जो हमारे पास क्यूप्रिक आयोडाइड होता है बेटा जी, ये अनस्टेबल होता है, ये रेडली डाइमराइज करता है टू फॉर्म द क्यूप्रस आयोडाइड प्लस आयोडीन. ठीक है जी, सो दिस इज द केस. तो हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट क्या है, इन इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है कि हमारे पास आयोडीन भी गैस इवॉल्व होगी. ठीक है, जो सोडियम थायोसल्फेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यस. ठीक है, क्यूप्रस आयोडाइड फॉर्म होता है, क्यूप्रिक आयोडाइड फॉर्म नहीं होता. सो दिस विल बी नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी, थैंक यू.